तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडोसूप में स्वागत है। आज हम एनिमल किंगडम में फाइलम सिलेंटेरेटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले लेक्चर पे हमने एनिमल किंगडम का बेसिक इंट्रोडक्शन और फिर फाइलम पोडिफेरा को कंप्लीट किया था। तो आज कोशिश करेंगे फाइलम सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा को हम कंप्लीट कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फाइलम सिलेंटेरेटा को। सिलेंटेरेटा का एक और स्पेशल नाम है, वो हम पहले बोलेंगे बाद में। पहले सिलेंटेरेटा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मेनली एक्वाटिक होते हैं? पानी वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर सिलेंटेरेटा में पाए जाते हैं, जिनमें मेराइन मोस्टली बोल सकते हैं मेराइन। तो समुद्री पानी में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनके जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हमने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन में बहुत सब कुछ पढ़ा था हमने सिलेंटेरेटा के बारे में। सबसे पहले ये पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म्स है, डिप्लोब्लास्टिक है। इनमें टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिशू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ा था, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। पोरीफेरा हमारे एसिमेट्रिकल है लेकिन इनमें रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है। तो इस बेसिक डिस्क्रिप्शंस थे। लेकिन अब इनके ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, या सेसाइल या फ्री स्विमिंग। इनके पर्टिकुलर नाम भी हैं, हम पढ़ेंगे इनके उन दोनों फॉर्म्स को हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। लेकिन अभी ये जान लीजिए, इनके ऑर्गेनिजम्स या तो सेसाइल एक जगह से अटैच्ड होंगे या फ्री स्विमिंग मतलब अलग अलग पानी के बहाव के साथ अलग अलग जगह जाके ये तैरेंगे। तो अब इनका एक स्पेशल नाम है, फाइलम सिलेंटेरेटा का एक स्पेशल नाम है, वो नाम क्या है? ये है नीडेरिया। सी इसमें साइलेंट है तो नीडेरिया है इनका नाम है। ये नाम इनमें क्यों आया? एक स्पेशल सेल जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक सेल, नीडोब्लास्ट या आप नीडोसाइट भी कह सकते हैं। तो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट से ये नीडेरिया नाम आया। अब नीडोसाइट का मतलब क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल। ये स्टिंगिंग कैप्सूल का मतलब क्या है? यहाँ हमारे पास एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, हमारे पास ये है हमारे पास नीडोब्लास्ट का डायग्राम, ये है हमारा नीडोब्लास्ट। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आप इस सेल में देख सकते हैं। तो इसका ये पर्टिकुलर शेप है, जहाँ ये बड़ा सा इसमें टेंटेकल मौजूद है और यहाँ अलग अलग तरीके के केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके का स्पेशल सेल इसको नीडोब्लास्ट कहते हैं, ये नीडेरिया में पाया जाता है। तो इस सेल से क्या एडवांटेजेस मिलते हैं अभी सिलेंटेरेटा को? तो नीडेरिया से क्या क्या काम वो कर सकते हैं? एंकोरेज मतलब किसी चीज़ को पकड़ के रखना। तो ये बड़े बड़े इसके टेंटेकल्स है, किसी भी पार्टिकल को अपने से ऐसे बांध के पकड़ के रखेंगे। तो ये पहला काम क्या हो गया? एंकोरेज का। फिर एंकोरेज कर सकते हैं तो इसका मतलब ये डिफेंस में भी काम आ सकता है। मैंने अभी बोला था इसकी कैविटी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसको वो किसी प्रे के ऊपर या किसी अटैकिंग जो प्रेडेटर होगा उसके ऊपर ये निकाल देगा, जिसकी वजह से उस प्रे या प्रीडेटर पे केमिकल्स का असर होगा। तो वैसे ही कैप्चर ऑफ प्रे। तो ये बेसिकली इस नीडोब्लास्ट के रोल से इस टेंटेकल से ये प्रे को पकड़ लेगा और उस प्रे पे केमिकल्स डाल के उसको वीक बना देगा। तो ये बेसिक कुछ बातें होगी इनके जो स्पेशल सेल्स हैं इनके बारे में। तो एक बेसिकली जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है नीडेरिया में, उसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। हमने एक बहुत पोरीफेरा का डायग्राम पढ़ा था, कुछ ऐसा डायग्राम था हमारा पोरीफेरा का। तो हमने यहाँ एक बहुत बड़ी कैविटी की बात की थी जिसको हमने स्पॉन्जोसील कहा था। वैसे ही एक नीडेरिया में भी अंदर एक कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हम उसको कहते हैं। तो ये होगी हमारी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के बारे में। तो ये आपने हाइड्रा का डायग्राम देखा ही होगा, कुछ ऐसा डायग्राम होता है। तो वैसा ही कुछ पर्टिकुलर डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हो गई इसकी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और एक उस पर माउथ होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जो ये माउथ है जो हाइपोस्टोम में होता है। तो ये हो गया। अब इनमें डाइजेशन क्या होता है? मैंने डाइजेशन के दो प्रकार आपको बताए थे, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। तो इनमें स्पेशल केस क्या होता है? इनमें दोनों होता है, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा
सेलुलर डाइजेशन इनमें पाया जाता है। तो ये इनकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, दोनों तरीके का डाइजेशन ये शो करते हैं। कुछ कुछ अभी ये स्नीडेड या समुद्री पानी में पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे स्केलेटन्स में पाए जाते हैं इनके मिनरल्स, तो वो अलग बात है। लेकिन अब मैंने आपको अभी बोला था सिलेंटेरेटा में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, या तो वो सेसाइल होंगे या फ्री स्विमिंग। सेसाइल मतलब कहीं से अटैच्ड, तो जो मूव अपने में मूव नहीं कर पाए। तो अभी हम बात करते हैं उन दोनों तरीके के फॉर्म्स को क्या कहा जाता है। जो पहला फॉर्म होता है वो होता है पॉलिफ, और जो दूसरा फॉर्म होता है वो मेडूसा होता है। ये दो तरीके के लाइफ फॉर्म्स होते हैं एक निडेरिया में। तो इसको हम डिस्कस करते पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। तो हमने अभी बोला जो सेसाइल होगा, जैसे ये सेसाइल है क्योंकि ये जो सबस्ट्रेटम है इससे जुड़ा हुआ है, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर सकते। तो इन तरीके के लाइफ फॉर्म्स को, जो सेसाइल लाइफ फॉर्म है, इसको हम कहेंगे पॉलिफ। मेडूसा है हमारा फ्री फ्री स्विमिंग फॉर्म, तो ये पानी में ऐसे तैर के फ्री स्विम कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मेडूसा। तो ये दो तरीके के लाइफ फॉर्म हो गए, पॉलिप और मेडूसा। तो अभी हम देख सकते हैं जो पॉलिप है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एकदम सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है, और सेसाइल है, ये मूव नहीं कर सकता। तो सिलिंड्रिकल सेसाइल स्ट्रक्चर को हम पॉलिप कहते हैं। ये पहली बात होगी पॉलिप के बारे में। लेकिन ये देखिए, ये एक छतरी जैसी नहीं लग रही, ये एक छाता बन गया हम लोग का। तो जो मेडूसा है उसको हम अम्ब्रेला शेप बोल सकते हैं, अम्ब्रेला जैसा शेप है, अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग, अभी बताया था फ्री स्विमिंग। तो ये दो प्रॉपर्टीज है मेडूसा की, और ये दो प्रॉपर्टीज है पॉलिप की। तो पॉलिप में कौन से एग्जांपल्स आएंगे, बहुत फेमस एग्जांपल्स हाइड्रा का जो फॉर्म है, या एडेम्सिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। अम्ब्रेला शेप का क्या होगा, जेलीफिश ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं। तो जेलीफिश याद रखना, नाम में फिश है लेकिन ये फिश नहीं, ये एक सिलेंटरेटा है। तो ऑरेलिया में ये पाया जाता है, और पॉलिप और एडेम्सिया में ये पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे सिलेंटरेट्स में क्या होता है, ये दो लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं पॉलिप और मेडूसा, ये आपस में अल्टरनेट करते हैं। तो जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, यहाँ पर भी क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन सिलेंटरेटा में भी ये पाया जाता है। उसमें वो प्लांट्स का अलग था, तो और इसमें ये अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, और एक नाम है मेटाजेनेसिस। तो इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस मतलब अब पॉलिप से मेडूसा का बनना, पॉलिप से मेडूसा का बनना, और मेडूसा से बाद में पॉलिप का बनना, तो ये इसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट है, पॉलिप जो है वो मेडूसा एसेक्सुअली बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। लेकिन मेडूसा जो है पॉलिप को सेक्सुअली करता है, फर्टिलाइजेशन से। ये दो तरीके के अलग अलग तरीका है कि एक से दूसरा फॉर्म बनना, पॉलिप से मेडूसा एसेक्सुअली, मेडूसा से पॉलिप सेक्सुअली। ये जो प्रॉपर्टीज है मेटाजेनेसिस से कौन से ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक नाम है ओबेलिया। तो ओबेलिया में ये पाया जाता है पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप। तो बेसिक इतना सिलेंटरेटा के बारे में हमें डिस्कस करना था, जो हमने कर दिया। इसमें डायग्राम्स के बारे में हमने देख लिया और इनके दो लाइफ फॉर्म्स के बारे में देख लिया। अब जो मेन चीज़ है इनके एग्जांपल्स, जो पहला एग्जांपल है फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडेम्सिया। एडेम्सिया का मोटा मोटी डायग्राम तो यही रहा, आप देख सकते हैं ये एडेम्सिया है। तो ये हो गया, तो एडेम्सिया को हम क्या बोलते हैं, सी एनीमोन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा पेनाटुला और गॉर्गोनिया, ये इम्पोर्टेंट है, पेनाटुला और गॉर्गोनिया। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, पेनाटुला है सी पेन और ये है सी फैन। तो ये दोनों में डिफरेंस आप जान लीजिएगा, पेनाटुला से पेन आया तो सी पेन, और गोर्गोनिया सी फैन। तो ये दो डिफरेंस है, याद रखिएगा। फिर मेनड्रिना, ये है ब्रेन कोरल,
तो ब्रेन कोरल, तो ये पांच मेन एग्जांपल्स है, क्योंकि बाकी एग्जांपल्स तो यहाँ हाइड्रा, एडेम्सिया और जेलीफिश का मैंने बता ही दिया, और ये एक्स्ट्रा पांच एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेंटेरेटा के बारे में। आज हम और एक फाइलम का डिस्कशन यहाँ करेंगे जिसको हम कहते हैं फाइलम टीनोफोरा। ये आज ही मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और जो सिलेंटेरेटा है इसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है, दोनों में बहुत कॉमन कैरेक्टर्स है, तो आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने सिलेंटेरेटा को निडेरिया कहा था, हम फाइलम टीनोफोरा को भी अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको हम कहते हैं सी वालनट और कॉम जेलिस भी इसको कह सकते हैं। तो ये बेसिकली इनके नाम हैं। तो इनके कैरेक्टर्स भी आप जान ही लीजिए। तो हमने रेडियल सिमेट्री की बात इसमें भी की थी, रेडियल सिमेट्री। फिर हमने ये भी डिप्लोब्लास्टिक ही होंगे और इनमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये सब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इनमें क्या है, ये एक्सक्लूसिवली मेरेन है। एक्सक्लूसिवली मतलब ये सिर्फ मेरेन, जो नमकीन पानी है, समुद्री पानी, वही पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर की तालाब वालाब में नहीं पाए जाते। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें हम एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम किसका है, एक एग्जांपल है टीनोफोरा का, प्लूरो ब्रेकिया। तो प्लूरो ब्रेकिया का ये डायग्राम है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो रोज में अरेंज है। तो ये 8 क्या होते हैं, ये है 8 एक्सटर्नल, बाहर की तरफ से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म के बाहर की तरफ से आ रहे हैं। तो 8 एक्सटर्नल रोज है किसका, सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, सिलिएटेड कॉम्प प्लेट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इनमें 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और ये सब स्ट्रक्चर किसके काम आता है, लोकोमोशन के में काम आता है ये, और इसको मूवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इनका जो डाइजेशन है, ये सिलेंडर से बहुत सिमिलर है निडेरिया से, तो इनमें भी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाइजेशन मिलता है। तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाइजेशन इनमें पाया जाता है। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, बायोलुमिनिसेंस। बायोलुमिनिसेंस, तो ये बायोलुमिनिसेंस क्या प्रॉपर्टी होती है, कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी से रोशनी एमिट कर सकता है। तो प्रॉपर्टी बाय विच ऑर्गेनिज्म एमिट्स लाइट, एमिट्स लाइट। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने से लाइट एमिट कर सके तो उस प्रॉपर्टी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। ये एल्गी में भी पाए जाते हैं, आपने जुगनू तो देखा ही होगा। वैसे तरीके की ये प्रॉपर्टी होती है जो टीनोफोरा में भी पाई जाती है। कुछ कुछ समुद्र में ये अलग अलग रात को कलर्स एमिट करते हैं। अब इनमें क्या है, ये है हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। हर्माफ्रोडाइट के बारे में मैंने डिस्कस किया था पोरीफेरा में। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स में बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, तो बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। इनमें और एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ये शो करते हैं, ये कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ नहीं शो करते, ये एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, और इनमें लार्वा स्टेज होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें दो ही मेन एग्जांपल्स आते हैं, एक तो हमने डायग्राम में देख ही लिया प्लूरो ब्रेकिया का, और एक है जो सेम टीनोफोरा से नाम से सिमिलर है, टीनो प्लेना। तो ये हो गए बेसिक टीनोफोरा के बारे में, हमें इतना ही जानना था। इस डायग्राम को भी हमने देख लिया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में एनिमल किंगडम के फाइलम सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा को डिस्कस कर लिया उनके एग्जांपल्स और डायग्राम्स के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद प्लेटी हेलमेंटिस और एस्केल हेलमेंटिस को कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अगर कोई भी आपको डाउट है तो ये कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझे, मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।